गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था कि आजादी चुकी है, अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। ये कांग्रेस मुक्त भारत मोदी का विचार नहीं, गांधी का है। ये हम तो उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते जो आपकी आंख में आग डाल सके? तो गरीब माँ का बेटा, पिछली जाति में पैदा हुआ, गांव से आया, आप तो नामदार है, नामदार। हम तो कामदार है। आपकी आंख में आग डालने की हिम्मत हमारी नहीं। अध्यक्ष महोदया जी, इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया? मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया? चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया? चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था? मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है? एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आंख कैसे डाल सकते? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़ा। ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे, कोई जिम्मेवारी है? मैं पहली बार यहां आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जिसका कुछ अर्थी जिंदगी में पता नहीं। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती है। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला, और जिस देश के मीडिया ने भी बहुत उसको मजा लिया। संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है, और हमने इसकी भरपूर सबने कोशिश की है। 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था जो पहली बार आए। न मैं इसकी ज्योग्राफी भी जानता था, न किस गली से कहाँ जाते हैं वो भी पता नहीं था, बिल्कुल नया था।
और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था, ये क्या है, यहाँ क्या है, ऐसा सब देख रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो ऐसे ही देख रहा था, एक बटन किस चीज़ के हैं, क्या है, समझने की कोशिश करता था। तो मैंने यहाँ एक प्लेट देखा, उस प्लेट पर, क्योंकि मेरी तो जानकारी है कि मेरे पहले 13 प्रधानमंत्रियों ने इस स्थान पर रह करके अपना दायित्व तो निभाया है, लेकिन मैंने प्लेट देखा उसमें सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री के नाम है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या तर्क होगा? जो लिबरल विचार के बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी ना कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादाएं इतनी ऊंची हैं, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया है। शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि वंश और विरासत से पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के दिल में क्रेडिबिलिटी कहां से लाओगे? जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते? अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में, 1985 में, करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में, करीब 50 साल पहले, आपको पसंद किया था। कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। जिनके नसीब में विपक्ष के नेता का पद नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। साथियों, इनके लिए सत्ता से ऊपर कुछ भी नहीं, देश भी नहीं।